हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन, इम्यूनोग्लोबिन्स आर प्रोटीन, डेट शो स्ट्रक्चर। इम्यूनोग्लोबिन्स प्रोटीन होती हैं जो कि कौन सा स्ट्रक्चर शो करती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या फिर क्वार्टरनरी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा डी, क्वार्टरनरी। इम्यूनोग्लोबिन्स में क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज फिजियोलॉजिकल बैरियर टू द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन ह्यूमन बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह वर्क करता है, स्किन, एपिथीलियम ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, टीयर्स या फिर मोनोसाइट। तो देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सी, टीयर्स। टीयर्स, इसके अलावा सलाइवा फ्रॉम माउथ एंड HCl इन स्टोमक, ये सभी फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह वर्क करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में आने से रोकते हैं। इन एलिसा टेस्ट सबस्टांस यूज्ड इज, एलिसा टेस्ट में कौन सा सबस्टांस यूज किया जाता है, पेरोक्सीडेस, पॉलीमरेस, लाइगेस या फिर एंडोन्यूक्लियस। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ए, पर ऑक्सीडेस। एलिसा टेस्ट में पर ऑक्सीडेस का यूज किया जाता है। वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, रेबीज की वैक्सीन सर्वप्रथम किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर, जॉर्ज स्नेल, लुइस पाश्चर या फिर पीटर गोरर। तो यहां पे सही आंसर होगा सी, लुइस पाश्चर। लुइस पाश्चर ने सबसे पहले रेबीज की वैक्सीन बनाई थी। आफ्टर इन्फेक्शन ऑफ जर्म्स इम्यूनिटी रिक्वायर्ड इज, या फिर द इम्यूनिटी ऑब्टेंड आफ्टर द बॉडी हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम अ डिसीज, यानी कि किसी डिसीज या किसी इन्फेक्शन के बाद जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी या फिर बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ए, एक्टिव इम्यूनिटी, यानी कि बॉडी में किसी इन्फेक्शन या डिसीज के बाद जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी एक्वायर्ड होती है उसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, और ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी में बर्थ से रहती है उसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। इसके बाद एंटीबॉडी फॉर्मेशन एंड इम्यूनिटी प्रोडक्शन इज डन बाय अ प्रोटीन कॉल्ड ग्लोबिन प्रेजेंट इन द, यानी कि ग्लोबिन प्रोटीन एंटीबॉडी बनाती है और इम्यूनिटी प्रोडक्शन करती है, और ये हमारी बॉडी में कहाँ पाई जाती है, स्ट्रोमा ऑफ RBC, हीमोग्लोबिन ऑफ RBC, प्लाज्मा या फिर ब्लड प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी, प्लाज्मा। ग्लोबुलिन प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है। स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द ब्लड इज, ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में होने वाले इंट्रैक्शन की स्टडी को क्या कहते हैं, क्रायोबायोलॉजी, सीरोलॉजी, हीमेटोलॉजी या फिर एंजियोलॉजी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, सीरोलॉजी। एड्स इज कॉज बाय HIV डेट प्रिंसिपली इन्फेक्ट, एड्स जो कि HIV वायरस द्वारा होता है वो मुख्यतः किसे इन्फेक्ट करता है, आर लिम्फोसाइट, एक्टिवेटर बी सेल्स, T4 लिम्फोसाइट या फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी, T4 लिम्फोसाइट्स, और आपको इसकी जगह यहाँ पे CD4 सेल भी देखने को मिल सकता है। तो आपको इन दोनों आंसर्स को याद रखना है। एन इम्यूनोग्लोबिन जी मॉलिक्यूल इज कंपोस्ट ऑफ, एक इम्यूनोग्लोबिन जी मॉलिक्यूल किसका बना होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, 2 आइडेंटिकल हैवी चैन एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चैन, यानी कि इसमें 2 सेम हैवी चैन और 2 सेम लाइट चैन होती हैं जिनका जी मॉलिक्यूल बना होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑटो इम्यून डिसीज, इनमें से कौन एक ऑटो इम्यून डिसीज नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं ग्रेव डिसीज, सोराइसिस, परनीसियस एनीमिया, विटिलिगो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इंसोमनिया, अल्जाइमर डिसीज। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा डी, इंसोमनिया, यानी कि जिसे अनिद्रा भी कहते हैं, यानी कि नींद ना आना, और अल्जाइमर डिसीज। तो इंसोमनिया एक
ऑटो इम्यून डिसीज नहीं है। रीड द फोर स्टेटमेंट्स, हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर रॉन्ग। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, क्लोस्ट्रम इज रिकमेंड फॉर द न्यू बॉर्न बिकॉज इज रिच इन एंटीजन। तो ये गलत है क्योंकि ये एंटीजन से रिच नहीं होता, इसमें एंटीबॉडीज पाई जाती है, यहाँ पे गलत दिया है। इसके बाद है चिकनगुनिया इज कॉज बाय ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ये भी गलत है क्योंकि चिकनगुनिया एक वायरस द्वारा होता है ना कि बैक्टीरिया द्वारा। इसके बाद है टिश्यू कल्चर हैव प्रूव्ड यूजफुल इन ऑब्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट्स, ये सही है क्योंकि टिश्यू कल्चर द्वारा वायरस फ्री प्लांट्स प्राप्त किए जाते हैं। बियर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ग्रेप जूस, ये भी सही है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा ऑप्शन गलत है जबकि सी और डी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इनमें से कितने स्टेटमेंट गलत हैं, तो हम लगाएंगे यहाँ पे फर्स्ट क्योंकि इसमें से दो स्टेटमेंट गलत हैं। इसके बाद एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय, एंटीबॉडी को कौन बनाता है, एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट, मोनोसाइट या फिर लिम्फोसाइट। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा डी, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती है। व्हाट इज द प्रोसेस इन विच एंटीबॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एंटीजन एंड कन्वर्ट दैम इन हार्मलेस इनसोल्यूबल मैटर कॉल्ड, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एंटीबॉडी एंटीजन के कॉन्टैक्ट में आती है और उसे हार्मलेस इनसोल्यूबल मैटर में कन्वर्ट कर देती है, उसे क्या कहते हैं, एक्टिवेशन, एग्लूटिनेशन, न्यूट्रलाइजेशन या फिर ओपोजिनेशन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बी, एग्लूटिनेशन। इस प्रोसेस को एग्लूटिनेशन कहते हैं। पीपल एडमिनिस्ट्रेट विथ परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज गेट, या फिर शॉर्ट लिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस अक्रॉस प्लेसेंटा और थ्रो मदर मिल्क टू द इन्फॉन्ट इज करेक्टराइज, यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जो कि माँ द्वारा बच्चे में या तो प्लेसेंटा द्वारा या फिर मिल्क द्वारा मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी या फिर पैसिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ई, पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जो कि बच्चे को माँ द्वारा या तो मिल्क द्वारा या प्लेसेंटा द्वारा मिलती है, उसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। विच सेल ऑफ इम्यून सिस्टम कॉजेस पोर फॉर्मेशन एट द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इम्यून सिस्टम की कौन सी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर पोर फॉर्मेशन करती हैं, हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल या फिर बी सेल्स। सही आंसर होगा किलर टी सेल्स। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज ड्यू टू, ह्यूमरल इम्यूनिटी किसके कारण होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, एल लिम्फोसाइट या फिर पी लिम्फोसाइट्स। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आगे भी आप इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे आगे भी आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।